सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शिवपुर में करोड़ों की सौगात दी। सहरिया स्पेशल प्रोजेक्ट के तहत सीएम शिवराज ने यहां पर 19,166 पीएम आवास को लाभार्थियों को सौंपा। इस दौरान सीएम शिवराज ने कई ऐलान किए और दावा किया कि ये बीजेपी की सरकार है और यहां डकैतों का कोई काम नहीं है। इसके साथ ही सीएम शिवराज ने कहा कि अब पुलिस भर्ती में फिजिकल फिटनेस में नंबरों को वरीयता दी जाएगी। मामा, अरे पुलिस में अगर सिपाही है तो दौड़ने भागने वाला चाहिए ताकि डाकू माकू पकड़ ले, चोर पकड़ ले। वैसे डाकू वाकू काफी मारे हैं अपन ने इस इलाके में। आपको याद है जब पहले मुख्यमंत्री बने थे तो जगजीवन और पता नहीं राम बाबू कहां कहां के ग्रोह थे, पकड़ के ले जाते थे, सब साफ कर दिए, कोई बचा नहीं। अब छोटे मोटे आते हैं पन अपने मद्दा ना यार एसपी साहब, जैसे ही सर उठाए कोई डकैत कुचल के धर दो। कोई डाकू फाकू नहीं होगा, भारतीय जनता पार्टी का राज है, या अपहरण पपहरण का खेल नहीं चलने देंगे। लेकिन बच्चों ने कहा कि भागा दौड़ी के नंबर रखो मामा, क्योंकि पकड़ना जंगलों में, अगर श्योपुर के जंगल में कोई ने अपहरण कर लिया और पकड़ने जाएगा तो ज्यादा पढ़ा लिखा थोड़ी जाएगा, हम ही जाएंगे। तो अमर जी गंभीरता से विचार कर रहे हैं कि विशेषकर कांस्टेबल जैसे पदों के लिए जिनकी फिजिकल हेल्थ बहुत अच्छी है, अच्छे दौड़ सकते हैं, कूद सकते हैं, पकड़ सकते हैं, उसके नंबर हम बेहतर रखें ताकि गांव के बेटा बेटी भी भर्ती में आ पाए, गांव के बच्चे भी भर्ती में आ पाए। ठीक बात है कि नहीं? अरे यार मामा बोल रहे, तुम बोलो, ऐसे बात नहीं चले। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राशन से लेकर कई योजनाओं और उपलब्धियों का बखान किया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद थे। दोनों नेताओं ने क्षेत्र के विकास के लिए 400 करोड़ रुपए की लागत की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। श्योपुर से खेमराज दुबे की रिपोर्ट, एमपी तक।